परमेश्वर ने एक सुंदर और संपूर्ण संसार की रचना की है। इसमें अंधेरे की शैतानी ताकतों का भी होना और बने रहना हमें अचंभित करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर इन्हीं को विश्वासियों का टेस्ट लेने के लिए, दूसरों को दंड देने के लिए और अपने आज्ञाकारिता में लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे भीतर और हमारे चारों ओर ये शैतानी ताकतें रहती हैं और परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता की तरह चाहते हैं कि हम इन पर जय पाएं। लेकिन क्या ये हमारे लिए संभव है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। पवित्र वचन हमने याकूब की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी पांचवी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ना हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। क्या अंधेरा सिर्फ शैतानी आत्माओं का ही है या कुछ और भी? किसी पर भी ये शैतानी अंधेरे की ताकतें अपना अधिकार कैसे जमा लेती हैं? हम आमतौर पर यह मानते हैं कि पाप एक दरवाजा खोलता है जिसके द्वारा शैतानी ताकतें हम पर अधिकार करती हैं। भजन संहिता 51 उसकी पांचवी आयत में राजा दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। I was brought forth in iniquity। इसका मतलब यह नहीं है कि दाऊद का जो जन्म था वो पाप के द्वारा, किसी पाप के काम के द्वारा हुआ था। जो भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, आत्मिक कानून का उल्लंघन करता है, वही पाप करता है और वही फिर कानून के अधिकारे से उस परमेश्वर की व्यवस्था से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो पैदा होता है बच्चा, उसके अंदर नेचर वो पाप करने की है, क्योंकि आदम के द्वारा वो चला आ रहा है, नेचर उसके अंदर पाप करने की पहले से है। पाप एक काम है जो कि सोचने के द्वारा या फिर एक एक्ट है जो हम कर देते हैं, और यह प्रवृत्ति है पाप करने की। उत्पत्ति पहला अध्याय चौथे आयत में परमेश्वर ने रोशनी जाहिर कर दी, अपनी महिमा की रोशनी, और फिर इस रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया। इसका मतलब यह है कि वहां पर अंधेरा भी था, लेकिन क्या रोशनी का ना होना ही अंधेरा होता है? फिजिकल रियाम से बाहर जो रोशनी है वचन के अंदर, यह आत्मिक ज्ञान को, सच्चाई को, जो कि पवित्र है, अच्छा है, उसे माना जाता है। और अंधेरा दूसरी तरफ माना जाता है शैतानी ताकतों का, शैतान का, जो कि अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, छुप कर रहना चाहता है। इस तरीके से रोशनी का आना इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अंधेरा बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि वो ढूंढता रहता है एक मौका ताकि हमारे ऊपर अधिकार जमा ले और ऊपर चार्ज ले ले। लेकिन इसके साथ दो सवाल पैदा होते हैं, ये अंधेरा आया कहां से? यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय 12 आयत में लूसीफर शैतान को स्वर्ग से गिराया जाता है उसके पाप के कारण, और उसे वहां पर कहा गया है भोर का तारा। भोर का तारा एक और बड़ी रोशनी के आने का सूचक होता है, वो भोर के आने का सूचक होता है, सूर्य चढ़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी धरती पर उस समय नहीं थी। पवित्र आत्मा परमेश्वर भी पानियों के ऊपर जुम्बिश कर रहे थे, तो जो अंधेरा था उसमें शैतान पूरी तरह से था। प्रूव हो चुका है कि अंधेरा भी ताकतों का समूह है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसमें पोटेंशियल है कि जो भी इसके नजदीक आए उसे नष्ट कर ले, उसको अपने अंदर निकल ले। गिरावट के बाद जो परमेश्वर ने इंसान से बाहर रखा था, अंधेरा उसे अलग करके रखा था, और उस अंधेरे का इंसान के ऊपर कोई अधिकार नहीं था, और
वो उसके भीतर आ गया और फिर उसने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। अंधेरा हावी हो गया, अब इंसान के अंदर अंधेरा भी है और रोशनी भी है। उत्पत्ति 3:21 आयत में परमेश्वर ने आदम और ईव को अंगरखे पहना दिए, जिसके द्वारा वो आत्मिक जो परमेश्वर की महिमा की रोशनी से उसे ढक दिया गया। और ये रोशनी फिर फाइनली प्रभु यीशु हमारे भीतर रिस्टोर कर देते हैं, हमारे ऊपर वो फिर जाहिर कर देते हैं। वो ढकने से अंधेरा हावी हो गया इंसान के ऊपर। अब जब वो इंसान परमेश्वर के पास मुड़ता है तो रोशनी फिर चमकती है, नहीं तो वो अंधेरे में है। इससे पहले इंसान की जो प्रवृत्ति थी वो परमेश्वर की तरह थी, उसके अक्सर रूप में थी, और उसकी प्रवृत्ति थी अच्छा ही करना। लेकिन पाप की प्रवृत्ति या नेचर आने के बाद में जो उसके भीतर आती है वो उसे ये बुरी आत्माओं के अधीन कर देती, शैतान के अधीन कर देती है। रोमियों के पुस्तक 7 पौलुस रसूल 15 आयत, पौलुस रसूल जो कि चुना हुआ एवेंजलिस्ट है, बाइबल स्कॉलर है, और वो भी ये इस कंट्रोल के बारे में कहते हैं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं नहीं करना चाहता, जिससे मैं नफरत करता हूं, मैं वो करता हूं। पर क्या जो ये अंधेरा है सिर्फ ये शैतानी ताकतों या बुराई के बारे में ही है? मत्ती 8:12 में प्रभु यीशु ने कहा कि जो स्वर्ग के अधिकारी हैं उन्हें बाहरी अंधेरे में डाल दिया जाएगा, वहां पर रोना और दांत पीसना है। इसका मतलब कुछ तरह तरह के अंधेरे की अंधेरा है, बाहरी डार्कनेस भी है, कुछ और भी है। वचन के अनुसार 3 की अंधेरा माना गया है। पहला है थिक डार्कनेस, घना अंधेरा, ये उत्पत्ति 15:17 में है। ये हैवी डार्कनेस है, इसे कहते हैं अलाता डार्कनेस इब्रानी भाषा में, जो के परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ अपनी वाचा बांधी उस समय आती है ये। और ये जो डार्कनेस है ये सूरज उदय होने से पहले, डॉन दिन चढ़ने से पहले, भोर होने से पहले की है। और इसका एक प्लान है कि इसके दौरान हम मेडिटेट करते हैं, वचन के ऊपर हम मनन करते हैं दिन चढ़ने से पहले, ताकि हम तैयार हो जाएं उस रोशनी के का स्वागत करने के लिए। और जो अलाता डार्कनेस है इसका लिंक है मेडिटेशन के साथ और रिफ्लेक्शन, और इसका बुराई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा है अंधेरा जिसे टटोला जा सके, जिसे फील किया जा सके, यह है चोशिक अफेला, निर्गमन 10:21-22 आयत में, जब मिस्र के ऊपर 9वीं प्लेग डाली जाती है, ये सुपरनैचुरल है। तो ये अंधेरा वो है जिसे महसूस किया जा सके, टटोला जा सके, वो कैसा अंधेरा होगा? लूका 23:44 में इसी तरह की एक डार्कनेस है जो मिड डे दोपहर के 12 से 3 तक रहती है, उस समय जब प्रभु यीशु सलीब पर हैं 3 वो अपना प्राण त्याग देते हैं, जो 12 से 3 तक ये वो अंधेरा है। ग्रीक भाषा का शब्द स्कोटोस है जिसका मतलब अंधेरा, और ये अंधेरा है फिजिकल या मॉरल और पाप वाला अंधेरा, जिसके काफी तरह के रिजल्ट भी फिर निकलते हैं। और ये अंधेरा जो है ये डर से, भय से और शैतानी ताकतों से भरा हुआ है, और उन लोगों पर हमला करता है जो परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर है, और ये अंधेरा ईवल और विकेडनेस का। तीसरा अंधेरा है गहरा अंधेरा या डार्क क्लाउड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का अंधेरा, जो परमेश्वर की जो पिलर है उसके साथ जो अंधेरा होता है। निर्गमन 20:21 आयत में मोसेस घुस जाता है वो एराफिल डार्कनेस, यहां शब्द है एराफिल, थिक डार्कनेस, जो के वो पर्वत के ऊपर है सिय्योन के ऊपर जहां परमेश्वर है। और ये जो अंधेरा है ये जो वहां पर बादल है उनमें पानी है उसके कारण होता है, उसमें फिर लाइटनिंग भी है, थंडर भी है, बिजली चमकती है जो कि उस बादल में है। जो पानी है वो सफाई के लिए, पवित्र करने के लिए है, और जो इलेक्ट्रिक जो वहां पर वो बिजली चमकती है वो बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए है। और ये जो एराफिल डार्कनेस है
ये पवित्र होने से, शुद्ध होने से पहले का अंधेरा है। और परमेश्वर के व्यवस्था में ये मूसा को यही दिया गया था ताकि इसके द्वारा फिर इंसान को पाप से प्योरीफाई किया जा सके, उस अंधेरे से निकालकर उसे इस पानी के द्वारा शुद्ध करना। चौथा है आउटर डार्कनेस, बाहरी अंधेरा। प्रभु यीशु ने चेलों को वो बाहरी अंधेरे के बारे में बताया मत्ती 8:12 में, और ये है एक्सोटेरोस स्कोटोस, जो के रोशनी के की जगह से बाहर है या परमेश्वर के राज्य से बाहर का अंधेरा है। इब्रानी भाषा में इसे चाशके ब्रिया कहा जाता है, इसका मतलब है जहां पर रोशनी नहीं है और या रोशनी से अलहदगी कर दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रोशनी के कारण ही है, ना होने के कारण है, इसका मतलब ये भी है कि आत्मिक सोनापन है, आत्मिक और परमेश्वर की जो वचन की रोशनी है उसका सोनापन हो जाना है। जो नौवीं प्लेग जो इजिप्ट में डाली जाती है वो चाशके है, वो आउटर डार्कनेस है, क्योंकि ये क्रिएट की गई है, ये अंधेरा क्रिएट किया जाता है परमेश्वर वहां के, ये होगा। जब परमेश्वर अपनी हजूरी हटा लेते हैं, अपनी रोशनी हटा लेते हैं, तो चाशके ब्रिया बन जाता है वहां पर, परमेश्वर की हजूरी ना होने का अंधेरा है ये। और जो नरक का अंधेरा है, जो वहां पर जो आग जलती है, वो चाशके ब्रिया है, इटर्नल अंधेरा है, जहां पर परमेश्वर की एब्सेंस है। यशायाह नबी के पुस्तक 6:3 में हम देखते हैं खरूब परमेश्वर के सिंहासन के सामने सदा के लिए गाते गाते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। पहला अध्याय 5:5 में यूहन्ना नबी कहते हैं कि परमेश्वर रोशनी है और उसमें बिल्कुल अंधेरा नहीं है। स्वर्गदूत वहां गाते हैं उनके सिंहासन के सामने पवित्र पवित्र पवित्र, वहां कोई अंधेरा नहीं है। पाप अंधेरा लाता है और वो है चाशक्रिया, वो बन जाता है क्योंकि परमेश्वर वहां से निकल जाते हैं और सिन वहां कंट्रोल, पाप कंट्रोल कर लेता है। शैतान हमारे सामने टेम्पटेशन ला सकता है, लेकिन वो हमारे लिए पाप नहीं कर सकता है, वो मुझे ही पाप करना है तभी होगा, वो मेरे सामने जो मर्जी लाता रहे। हम आमतौर पर देखते हैं मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जब आप कुछ सर्च करने लगते हैं, कई तरह के गंदे मैसेज आ जाते हैं, उसको आप खोल लेंगे तो पाप हो गया, उसको हम हटा देते हैं। भजन संहिता 1:1 पहली ही आयत, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता की पहली ही आयत है कि पाप से और अंधेरे से दूर कैसे रहना है, वो उसके बारे में कहता है। वो कहता है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, अलग रहता है, पाप करने वालों से दूर रहता है, और फिर पाप की जो संगति, पापियों की संगति उसमें नहीं जाता है, उस रास्ते पर ही नहीं चलता है। यही एक तरीका है, अंधेरे से दूर उसको जितना हम रखेंगे उसको हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और यही धर्मी होने का और धर्मी जीवन जीने का तरीका है। यही तरीका है कि शैतान और अंधेरे की ताकतें हमारे ऊपर किसी भी तरह से हावी ना हो सके। अंधेरे की ये शैतानी ताकतें हमारे ऊपर किस प्रकार वार या हमला करती हैं? हम ये मानते हैं कि पाप के द्वारा वो दरवाजा खुल जाता है जिसके द्वारा के शैतानी ताकतें हमारे ऊपर अधिकार करती हैं, किसी भी इंसान पर अधिकार कर लेती हैं। लेकिन मत्ती 5:27-28 आयत में प्रभु यीशु ने ये सिखाया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु ने कह दिया मन में सोचना ही पाप हो जाता है। इस प्रकार पाप भरा विचार मन में लाना एक पाप के बराबर हो जाता है, और यहीं पर ही उसे रोकना जरूरी है इसे पहले के पाप कमिट कर दिया जाए। मत्ती 4:3-10 आयत तक प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा परमेश्वर विल्डरनेस में ले जाते हैं, वहां शैतान उन्हें टेम्प्ट करता है। वो तीनों जो टेम्पटेशन हैं वो उनके विचारों पर प्रभाव डालने के लिए है। पहला खाने के बारे में है, प्रभु यीशु 40 दिन रात तक उन्होंने कुछ नहीं खाया है और लिखा है वो भूखे थे। वो कहता है पत्थर को बना लो रोटी,
अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, भूखे हो तुम्हारे पास शक्ति है, लगा लो खा लो। दूसरा वो कहता है टेंपल की ऊंचाई से छलांग लगा दो, तुम सबको इनको मनाना चाहते हो ना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे, सब मान जाएंगे एकदम। बड़ी सिंपल सी बात है विचार। तीसरा वो कहता है मेरी अगर तुम आराधना करो, जितनी दुनिया का सब कुछ जो राज्य है मैं तुम्हें दे दूंगा, और तुम उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लेना। विचार डालना मन में, यही उसका अटेम्प्ट था। उत्पत्ति तीसरा अध्याय छठी आयत में जो ही ईव ने वो पेड़ की तरफ देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, खाने के लिए अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। अब जब उसने उसकी तरफ नजर बढ़ाई, नजर मोड़ी होगी, तो जो सांप था जो उसको उकसा रहा था वो अपनी रनिंग कमेंट्री दे रहा होगा कि देखो कितना सुंदर है ये फल, देखने में कितना सुंदर, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, और ये तुम्हें परमेश्वर के तुल्य बना देगा, परमेश्वर जैसा बना देगा। पाप कोई हां और ना करने वाला काम नहीं है, ये विचारों से शुरू होता है और विचारों से फिर प्लान बनता है और फिर वो आगे काम हो जाता है। कोई भी पाप किया ही नहीं जा सकता बगैर सोचे, उसको प्लान किए बिना। याकूब की पुस्तक पहला अध्याय 14-15 आयत अगर हम देखें तो यहां लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अपनी ही अभिलाषा से फंसकर, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषा विचार है और विचार से पाप होता है। पाप के जो विचार हैं वो दरवाजा खोलते हैं, लेकिन शैतान को जो असली एंट्री मिलती है वो पाप करने के बाद मिलती है, दरवाजा खुल जाता है। इसलिए जो शैतानी ताकते हैं उन्हें बाहर जब निकाला जाता है तो वो उनको राइट जो है, जो उनके वापस आने का राइट है, अधिकार, वो खत्म करना पड़ता है। वो खत्म करना है पाप को अंगीकार करना, तौबा करना कि मैं दोबारा ना करूं, माफी मांगना परमेश्वर से, उनकी सहायता मांगना पवित्र आत्मा परमेश्वर से, बल मांगना कि मैं इसे बचा रहूं। बार बार पाप करना फिर वो दुष्ट आत्मा को वापस आने में रास्ते खोलता रहता है। मत्ती 12:43-45 आयत में प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में कहा है। वो कहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा जब छोड़ के चली जाती है तब फिर वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। वो जहां से गई थी उस इंसान को अपना घर मानती है, वो उस पर अपना अधिकार मानती है, और लौटकर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती, साफ सुथरा सोना है लेकिन उसमें है कुछ नहीं है। तौबा तो कर ली और आगे उसके कुछ नहीं किया है। तब वह आकर अपने से और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, जब वो वापस आती सात और बुरी, उससे भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। ये जो इंसान पाप से भरा हुआ था उससे वो दुष्ट आत्मा निकल कर गई, लेकिन वापस फिर आ जाती है और उसकी दशा और भी बुरी हो जाती है। जो दुष्ट आत्मा उसका आनंद किसमें है? उसका आनंद है किसी इंसान के मन को कंट्रोल करना। जब वो किसी को पाप में नहीं ले जा रहा है तो उसे कोई आनंद नहीं है, और इंसान ही उसके लिए सूटेबल है ताकि वो उसमें रहे और उसको कंट्रोल करके उसे पाप की तरफ लेके जाए, क्योंकि इंसान ही है जिसके द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र आना था। जो औरत का बीज, वो पवित्रता भंग करना है, इंसान ही है जिसे फिर परमेश्वर की हजूरी में जाने का अधिकार है। जो दुष्ट आत्मा है फिर वो उसे अपना घर कहकर उसके ऊपर अपना ओनरशिप बना लेती है और वापस आती है। जो परमेश्वर की शक्ति बल है वही उसे बाहर रख सकता है और उसका वापस आना और भी बुरी हालत कर देता है। अगर हम प्रभु यीशु से और वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम भरे हुए हैं तो फिर खाली वहां कुछ नहीं है, वो नहीं आ सकता है। पिक्चरों में हम बार बार देखते हैं शैतान को एक बहुत भयानक सा क्रिएचर दिखाया जाता है, लेकिन क्या पवित्र शास्त्र के अनुसार भी वो ऐसा ही है?
अजेकेल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय 12वीं आयत में उसके बारे में लिखा गया है, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, फुल ऑफ विजडम एंड परफेक्ट इन ब्यूटी। उसे सबसे पहले बनाया गया था, उसकी सुंदरता और बुद्धिमता का कोई मेल नहीं है। और फिर वो इसे ही इस्तेमाल करता है हमें भ्रम में डालने के लिए, हमारे जो नजदीकी लोग हैं उनको इस्तेमाल करता है ताकि हमें शक भी नहीं होता। मत्ती 16 के 21 से 23वीं आयत में पत्रस रसूल प्रभु यीशु की बातें सुनते हैं उनकी यरूशलेम में सफरिंग, मृत्यु और दोबारा जी उठने के बारे में। फिर वो परमेश्वर के पुत्र को एक तरफ ले जाके झिड़कने लगता है। प्रभु यीशु एकदम समझ जाते हैं कि ये पत्रस नहीं, शैतान उसकी जुबान पर बोल रहा है, और फिर उसे कह देते हैं, शैतान मुझसे पीछे हट। इसी प्रकार हम देखते हैं पहला राजा 22वां अध्याय 19 से 22वीं आयत में, अहाब नॉर्दर्न किंगडम का राजा है और वो नबियों से अपनों से पूछता है कि रमोत गिलियाड पर वो हमला करने जाए, जीत वहां मिलेगी। सब उसे बोलते हैं, हाँ तुम जाओ जीतोगे। मिकाइया एक सच्चा नबी है जो कहता है कि तुम वहां हारोगे भी और तुम्हारी मृत्यु भी वहां होनी है। पूछने पर वो बता देता है कि परमेश्वर ने दूतों में से किसी एक को पूछा, भेजने के लिए पूछा कि कौन है जो अहाब को भ्रम में डालकर उसे रमोत गिलियाद में भेजेगा ताकि वहां वो मृत्यु पाए। फिर एक आत्मा आगे खड़ी होती, परमेश्वर से कहती, मैं जाऊंगी। वो कहता है कि मैं उनके नबियों की जुबान पर झूठ की आत्मा बनकर बैठ जाऊंगी और वो उन्हें झूठ में भेज देंगे। परमेश्वर उसकी इस बात को मान लेते हैं और उसे भेज देते हैं। कभी कभी परमेश्वर भी दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना दंड लोगों के ऊपर डालने के लिए। हमें अपने विचारों में पवित्रता लानी है, जो भी बात कही जा रही है उसे समझने की कोशिश करनी है, ये वचन के अनुसार है, सच्चाई के अनुसार है, तभी उसे मानना है। नहीं तो हो सकता है शैतान हमारे किसी नजदीकी को इस्तेमाल कर रहा हो, हमें इससे भी पूरी तरह से ध्यान रखना है। जब हम ये सब जानते भी हैं तब भी शैतानी आत्माएं हमारे ऊपर जीत कैसे पा लेती हैं? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वीं आयत में पौलुस रसूल जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के गिफ्ट है उनके बारे में बताते हैं, फिर उनमें वो आत्माओं की परख का एक गिफ्ट भी बताते हैं। और ये जो गिफ्ट हैं जो ये दिए जाते हैं, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार देते हैं ताकि ये सबके भले के लिए हो और ये किसी एक के लिए नहीं है। आत्माओं की परख का जो एक गिफ्ट है ये इस प्रकार है जैसे एक पर्दा हटा देना ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उस आत्मिक स्थानों में देखने, उसे महसूस करने, सूंघने के लिए एक मौका देते हैं कि किसी इंसान में शैतानी आत्मा तो नहीं है। पहला योहन्ना 4 अध्याय 1 ही आयत में योहन्ना रसूल कहते हैं विश्वासियों को, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आत्माओं को परखो, हमें ये जो आत्माओं को परखने का गुण है ये हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगना है। मूसा, यहोशू, दाऊद और सभी नबी ये सक्सेसफुली चलते हैं क्योंकि परमेश्वर की उस वायदे के अनुसार वो चलते हैं कि ना तो वो हमें छोड़ेंगे और ना हमें त्यागेंगे, हमारे साथ हैं हर हमेशा, वो मानते थे। ये एक यहूदी यरमुल के जो सिर के ऊपर स्कल का पहनता है वो ये इसलिए पहनता कि हर वक्त याद रखे कि वो परमेश्वर की हजूरी में है और फिर उसके सब काम उसकी हजूरी के अनुसार होने चाहिए। पहला राजा 17वां अध्याय 1 ही आयत में एलिया नबी अपने आप को अहाब राजा को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर जो हु लिव्स, मैं उसके सामने खड़ा होता हूं। और फिर वो 3 साल के लिए अकाल की घोषणा कर देता है। उसका बल, उसकी अथॉरिटी परमेश्वर की हजूरी में खड़े होने से आती है। इसी प्रकार जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की हजूरी में होते हैं और उनसे वो बल पाते हैं। मत्ती 28 के 20 में प्रभु यीशु ने वायदा किया सब विश्वासियों के साथ कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, फिर अपने बल में चलने लग जाते हैं और फिर अपने बल में हम शैतानी अधिकार के नीचे चले जाते हैं। लेकिन हम शैतानी ताकतों से हार कैसे जाते हैं? अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 7 से 9वीं आयत में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया,
उसके लड़के लड़कियों की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके शरीर पर भी वो पेनफुल फोड़े हो जाते हैं। उसकी पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर सकती, वो अपने पति को कह देती है परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। मतलब ये कि जो लड़ाई है इसे छोड़ दे, क्योंकि ये तुम्हारे बस की नहीं है। अब अय्यूब के पास क्या ऑप्शन थी? पहला ये था परमेश्वर का धन्यवाद करे और छोड़ दे। दूसरा ये था कि धर्मी बनकर जिस प्रकार वो लगा रहा, लड़ाई में लगा रहे। आम तौर पर डर हमारे विचारों पर हावी हो जाता है और शैतान पर हमें गहरा उसमें खींचता ही जाता है। शैतान इस प्रकार के ट्रिक इस्तेमाल करता है हमारे मन में डर लाने के लिए, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके अपने विक्टिम को। पहला पत्रस 5:8-9 आयत में पत्रस रसूल कहते हैं, शैतान गर्जदे शेर की तरह आता है, किसको पकड़ूं और फाड़ खाऊं। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। कुलोसियों 2:15 में प्रभु यीशु के बारे में कहा गया कि उन्होंने प्रधानताओं और अधिकारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनका स्पेक्टेकल बना दिया। शैतान जानता है कि उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो गरजते शेर की तरह आता है हमारे मन में डर डालने के लिए। याकूब की पुस्तक 4:6-10 में फिर हमें इसका उत्तर दिया गया है कि हमें किस प्रकार जीतना है। वहां है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आखिर में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हमें उसके सामने दीन बनना है तो हमें वो बल देते हैं। इशाया नबी की पुस्तक 6:2-3 में हम देखते हैं, खरूब खड़े हैं, उनके 6 पंख हैं, 2 से अपना मुंह कवर कर लेते हैं, 2 से पैर कवर कर लेते हैं, 2 से उड़ते हैं वो। कितना बल है उनमें, लेकिन वो अपनी महिमा अपनी चाल कुछ भी नहीं समझते हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर लेते हैं। मत्ती 4:8-9 में शैतान ने प्रभु यीशु को सारे राज्य दे दिए थे, लेकिन प्रभु यीशु को सिर्फ उसके सामने झुकना था। कितने लोग हैं जो इस प्रकार की टेम्पटेशन के सामने झुक जाएंगे और फिर अपने जीवन का कंट्रोल उस अंधेरे को दे देंगे। बस हमें यही इसी बात पर ही ध्यान रखना है जो याकूब ने कहा, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ तो तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे वो। हमें परमेश्वर के सामने दीन होना है शिरोमणि बनने के लिए, शैतान के सामने दीन नहीं होना है, क्योंकि हम बल और शक्ति से भरे हुए हैं। आत्मा हमें बल और शक्ति और प्यार और आत्म संयम का दिया गया है, डर का आत्मा नहीं दिया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आपने हमें हर तरह से आशीषित किया है कि हम शैतान पर अंधेरे की ताकतों पर जय पर चलें, जय में चलें। जो जय प्रभु यीशु आपने दी है बस हम उसमें बने रहें। प्रभु जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें रास्ता दिखाइए, बने रहें हम आपके वचन में, आपके अधीन की में, आपके पद में चलें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अपोस्टल पीटर और दूसरे चेलों के लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना की ताकि शैतान के हमले के बाद उन सब का विश्वास बना रहे। आज शैतानी ताकतों का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि हम उनके सामने झुक नहीं जाते। प्रभु यीशु में जीत हमें मिल चुकी है, हमें बस इसमें बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।